खा लेते हैं पहले, फिर फ्रेश होने है ना, भूख लगी है। कैसा लगा? लगा अच्छा। गाइस मिलते हैं, हम थोड़ा फ्रेश होके फिर हम बाहर जाएंगे, थोड़ी फोटोज क्लिक कराएंगे, वीडियो ब्लॉग बनाएंगे आप लोग के लिए, और क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए। इट्स वेरी प्रिटी, जब तक लाइट है फटाफट फ्रेश हो जाता है। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। डेकोरेशन यहाँ पर कितना प्यारा डेकोरेशन किया हुआ है। ये यहाँ पर सिटिंग एरिया है यहाँ का, और वो खाने के लिए वो 10 बजे तक ओपन होता है। अब हमारा तो डिनर हो चुका है। एंड यू कांट बिलीव गाइज, फिर हमको रात को 2 बजे दिखी नॉर्दर्न लाइट्स हमारी विंडो से, और हम गए बाहर। एंड लुक एट दिस, दिस इज लुकिंग सो 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 ब्यूटिफुल। इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस विद नॉर्दर्न लाइट्स। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। Next day in Iceland today, and look at the view. This is how our morning looked like. See you after maybe sometime. Bye guys. तो एक वार्डरोब एंटर होते हैं, यहाँ पे अपने कपड़े रख सकते हैं, और फिर यहाँ पे थोड़े ग्लासेस, कप्स दिए और चाय कॉफी, और ये है किटल। एंड इनफैक्ट यहाँ पे फ्रिज भी दिया गया है। And yeah, there is no microwave. ये वीडियो मैं नेक्स्ट डे बना रही हूँ, क्योंकि बताना भूल गई थी आपको अपस्टेयर्स, इसलिए इतना पूरा मेस है अभी यहाँ पे। And yeah, then ये लिविंग रूम में भी ऊपर मेरा सेम वैसी सिटिंग एरिया, ब्यूटीफुल सिटिंग एरिया, एंड एक और डबल बेड। पर अपस्टेयर्स देखते हैं क्या है। ओह वाव, देयर इज वन मोर बेडरूम। ओह दिस इज सो ब्यूटीफुल। और ये सिटिंग एरिया। ओके गाइस, इट्स नेक्स्ट डे एंड आई एम ready to get ready, so let's go. Kya kar rahi ho? Just pee rahi ho. Maine explore nahi kiya, yahan pe aake baith jaati hu thoda. Hey guys, we are ready to go out for today. This is the first day in Iceland. Right, abhi the second day. Second day. Kal se traveling ka nikal ke mujhe ready hone ka time nahi mila. Chalo to nikalte hain next destination ke liye. Let's go, day 2 in Iceland. Woohoo!
चलिए बाकी इन्फॉर्मेशन गाड़ी में से देते हैं, क्योंकि चेकआउट का टाइम भी हो गया और हमें भी लेट हो गया है। सामान सब रख दिए, हम गाड़ी में जा रहे हैं, राइट? एक बैग। आज हम 6-7 डेस्टिनेशन जाने वाले हैं, हम आपको बताएंगे कार में। कार में चलिए, लेट्स गो। लेट्स गो आनी, बाय बाय। आए है गैस भराने के लिए। अरे तुम्हें आती है गैस? गाड़ी पहली बार चलाई ना यहाँ पे आने के बाद। लेट्स चेक कैसे भरता है गैस यहाँ पे। सब बोलते हैं ये गैस थोड़ा महंगा होता है। कौन सा वाला? प्राइस देख लेना कितना है। अपने को कौन सा बोला है उसने भरवाने के लिए? ये 28.4 पर लीटर है। ओके। और इसमें 3 सेंट कम होता है, मतलब 3 वो, मतलब ये पड़ेगा अपने को 925 पॉइंट समथिंग का। ओके। और कान में देखते हैं वो भी 28.4 ही है। सेम ही है फिर। चलो टैंक ओपन कर दिए, लेट्स सी कैसे बात। क्या ये डीजल और ये है पेट्रोल? ये अपने को डिस्काउंट के लिए दिया हुआ है। ओके। 3 kronas पर लीटर का डिस्काउंट। हमारा कार्ड नहीं चल रहा है यहाँ पे, तो अब अंदर जाके फ्यूल के लिए अलग से प्रीपेड कार्ड लेना पड़ेगा, तो मैं लेकर आता हूँ अंदर से। ओके। तब दूसरा कोई भी नहीं कार्ड चलेगा अभी? अंदर शॉप में बोला है कि यहाँ से तुम तुम्हारा पेट्रोल भर लो यहाँ पे और पे फिट कर देंगे अंदर जाके शॉप में, वो वहीं से ओपन कर देगा बटन दबा के। बोला था 95। हाँ पेट्रोल ही है ना, तो अपने डीजल ही उसमें भरा था ना कल। सुनो क्या लिया तुमने? यहाँ से कॉफी। कॉफी ली? यस। और ये? रात का बचा हुआ था, मैंने अभी माइक्रोवेव देखा, मैंने उसको पूछा शॉपकीपर पे, तो उसने बोला ये आयोटिन यूज इट, बट कोई कोई होता है कि नहीं यूज करने होते, बट ये हमारा अच्छा मिल गया। तो यस गाइस, आपको गैस स्टेशन पे कहीं दिखे तो आप पूछ सकते हो कोई हेल्प के लिए। आई थिंक गैस स्टेशन पे यूज करने देता है, लेकिन कैफे वैफे और वो सब उसमें नहीं, वो वहां से लेकर ही करना पड़ता है बस। सुबह तो नहीं एक्चुअली 11। सुबह सुबह पिज्जा? सुबह नहीं है, 11 बजे। मजा आई। तो अभी हम निकल गए स्कोगा फोर्स की तरह, जो हमारी होटल से ऑलमोस्ट 2 घंटे का रास्ता था, लेकिन हमने ऑलरेडी 1.5 घंटा ड्राइव करनी है। और जो पेट्रोल हमने भराया था वो हमने आई थिंक 24 लीटर समथिंग हमने टैंक फिल अप कराई, उसका हुआ 6900 krona, जो कि CAD में कन्वर्ट करो तो $69 होता है और इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो तो 4300 समथिंग होता है। तो आई थिंक फ्यूल तो सेम ही होता है हर जगह, कुछ इतना डिफरेंस मुझे लगा नहीं, लेकिन ये अगर तुम सीनरी देखो तो बहुत मजा आ जाएगा। जहाँ तो हम रहे थे स्कोगा फॉल्स पर, हम पहुंच गए हैं सेल्जा फॉल्स गाइस। सो ये है वो वाटरफॉल जहाँ पे गेरुआ सॉन्ग की शूटिंग हुई थी, वो था आइसलैंड में, राइट? और थोड़े कुछ पार्ट शूट हुए हैं वो सॉन्ग के ब्लैक सैंड बीच पे, वहाँ पे भी वाटरफॉल है। यस, लेट्स गो गाइस। बस मेरे शूज थोड़े गीले हो जाएंगे, बट कहीं नहीं, फिर मैं दूसरे पहन लूंगा।
क्योंकि वो जल्दी से सूखेंगे नहीं। चलो जल्दी पहनो। हम आ चुके हैं इस हिस्टोरिक वाटरफॉल के पास जहाँ पे ये वर्क की शूटिंग हुई थी। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर अमेजिंग अमेजिंग वाटरफॉल। खास बात ये सेल्फोस गलत सेल जो वाटरफॉल गलत गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है। मैंने पहले बोल दिया बैठी हुई यहाँ पे इतने सारे फॉल्स हैं और एस 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 सौ पर ये है सेल्जा वाटरफॉल राइट। सेल्जा लैंड वाटरफॉल हम इसके बैक साइड पे हैं। इज वन ऑफ द यूनेस्को साइट। काफ़ी रश हो गया है यहाँ पे अभी। हो सके आप लोग कभी आओ तो थोड़ा जल्दी आना, ये मॉर्निंग में इतना यस मॉर्निंग में इतना रश नहीं होता होगा। आवाज़ तो सुनो बहुत आवाज़ है। कैसा लग रहा है तुम्हें? बढ़िया। इतना ही बस बढ़िया वो देखो दूसरे यार। चलो सेम वैसा ही सीन है नहीं तो उनके सॉन्ग में भी था ना रेनबो। वाह मेरा मुंह धुल गया है। होपफुली मैं मेकअप ना धुले। अब मैं कैमरे के ऊपर भी आ गया थोड़ा पानी लग रहा है। चलो चलते हैं अभी आगे। ओह माय गॉड चल आइया। अरे ये रही सोरम। व्हाट अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल। हम वाटरफॉल के एकदम पीछे है। पीछे से दिखाते हैं आपको व्यू। मैं फर्स्ट टाइम ऐसे कोई पीछे आ रही कोई वाटरफॉल के रियली ब्यूटीफुल। भाग गई। तो गाइज हम थे अभी सेल्जा लैंड वाटरफॉल के पीछे। पूरा घूम के हम आए। बहुत ही बढ़िया है। फर्स्ट ये हमारा फर्स्ट स्टॉप था सेकेंड डे का और बहुत ही बढ़िया रहा। अब स्टार्ट ऐसा है तो पूरा दिन कैसा रहेगा है ना। ओके तो चलिए अब हम यहाँ से जाते हैं। थोड़ा रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है दिखाते हैं आपको अभी। देखिए
यहाँ से चलो ना, लेकिन यहाँ पे है बढ़िया रास्ता। सो गाइस, वाटरफॉल तो हो गया हमारा, वाटरफॉल अभी भी यहीं पे पीछे, बट अब हम नई जगह जा रहे हैं, सेकेंड स्टॉप ऑफ द डे। क्या नाम है सोनम? क्यों कौन सा था यहाँ पे नाम इतने डिफिकल्ट, मुझे याद नहीं रहता। खैर हम बोलेंगे नहीं, बट वो एक केव के अंदर वाटरफॉल है, अब हम वो देखने जाए। नाम इधर है गलजू फ्राबुई। गलजू फ्राबुई नाम के तो मर्डर हो गए, बट एनीवे अब वो केव के अंदर वाटरफॉल है, वो भी बहुत बढ़िया है, वो देखने जा रहे हैं। क्या हुआ, क्यों वापस आई इधर? अच्छा ना, बांध के रख दिया वरना मफलर तो जाता। मेरा कश्मीर का है। ओ कश्मीर, हम आ गए दूसरी लोकेशन पे भी। थोड़ा 15-20 मिनट चलना पड़ा, बट एनीवे पहुंच गए। अब केव के अंदर जा रहे हैं, देखते हैं क्या सीन है अंदर। चलो, आई होप कि कुछ अच्छा हो। It's a dead end. कुछ नहीं था, यू टर्न मार के वापिस आ गए। तो है क्या, लेकिन है जगह, ये रही जगह अंदर जाने का, लेकिन पानी का फ्लो काफी है। जाना है तुम्हें अंदर? काफी है। ये देखो ना नीचे बहती हवा सा था, वो पानी, पैर गीले होंगे। रिटर्न यही से। हाँ ये रहा, वाटरफॉल देखते अंदर जाते हैं कि नहीं जाते। या हिल रहे पत्थर इसमें। आराम से अभी हम यहाँ से जा रहे हैं बाहर। हमारा स्पॉट तो भी बढ़िया रहा है ना। क्या पता टेबल लग। सो स्पॉट टू भी एक्सीलेंट था। वाटरफॉल केव के अंदर था, बहुत बढ़िया और मज़ा आ गई। बस हमारे पैर बहुत गीले हो गए, तो तुरंत हमें गाड़ी के भागना पड़ेगा चेंज करने के लिए। यहाँ पे आओ तो वाटर प्रूफ शूज इज मैंडेटरी, लेकिन हमें फोटो खिंचानी थी तो हम तो ऐसे ही घुस गए। क्योंकि आई थिंक एवरीथिंग इज प्योर हियर, ऑक्सीजन प्योर है, सनलाइट प्योर है, वेदर बढ़िया है। ट्रैकिंग भी तो एकदम प्योर लगती है ना, पानी की प्यास। लाइन से यहाँ पे दो चलिए तो बाय बाय। नो सॉरी नॉट बाय, बस हम गाड़ी की तरफ जा रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट स्पॉट पे। मिलते हैं नेक्स्ट स्पॉट पे। आ गए हैं हम स्कोगा फॉस पे, और सबसे पहले हमें दिख रही है आई कैंडी। वाओ ब्यूटीफुल है। हेलो, वी आर बैक एट आवर स्पॉट 3 ऑफ द डे, और वो है स्कोगा फॉस। स्कोगा फॉस करेक्ट है, ये बट करेक्ट है। काफी बड़ा दिख रहा है, पहले जितने भी वाटरफॉल दिखे हैं।
अब लग रही है थोड़ी ठंड, पहले वाले वाटरफॉल में इतना ठंड नहीं लगा, लेकिन खैर शाम होने आई है, टाइम भी थोड़ा 5:30 जितना हो गया, इसलिए ठंड बढ़ भी रही है। धूप बढ़िया है। चलिए फिर पास चलते हैं। ओके, रेनबो दिख रहा है, वाटरफॉल रेनबो, ये काफी बड़ा वाटरफॉल है, नॉट द लार्जेस्ट वन इन आइसलैंड बट या वन ऑफ द लार्जेस्ट। या दो दो रेनबो दिख रहे हैं, देखो दिख रहा है वीडियो में, एक क्लियर दिख रहा है, दूसरा एकदम लाइट है। वैसे तो यहाँ से पानी स्टार्ट हो गया है, देखो नीचे ब्लैक सैंड है इसके। या और ये ब्लैक सैंड पे बना हुआ है। वाओ गाइस, देखो कितना ब्यूटीफुल है ये। ये रहा मेरा शाहरुख खान। वाओ कैसा लग रहा है, देखो कितना ब्यूटीफुल है। चलो चले किसी की हिम्मत नहीं कि इस पे आगे चले जाए। नहीं तो यूजुअली अपन देखा है ना, सब चले ही जाते हैं। चलो आदि, लेट्स गो। थोड़ी हाइक हमने कर ली, देखो वाओ आइस ग्लेशियर दिखता है, लगता है यहाँ पर। थोड़े आगे चल रहे हैं, बहुत ठंडी है, जैसे पास जा रहे हैं। शाम होने से काफी ठंडी लगने लगी है। ये देखो इसका नाम है सोल है मा योकुल। सेफ्टी क्योंकि स्लिपरी होता है। कैसा लगा? हेलो गाइस, वी आर बैक। हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, कहाँ पे? प्लेन क्रैश वाली साइट पे, और सनसेट होने वाले हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर द सनसेट, ऐसा मैंने सुना है। तो आज हमें भी देखने मिलेगा, तो आई एम रियली एक्साइटेड। एंड लुक एट द प्लेस, अभी तो कुछ है बंजर। बस काली जमीन एंड दैट्स इट। वो रहा ड्राई होल जहाँ पे आदि को जाना है। लेट्स सी, टाइम मिला तो जाएंगे, वरना तो डायरेक्ट होटल। हाइक है 3.5 किलोमीटर्स की, और बैक एंड फोर्थ 7 किलोमीटर। इट्स ओके, घूमने आए हैं हम तो घूमना तो पड़ेगा। अच्छा, हमें पतले भी होकर चले जाएंगे आदि, हम यहाँ पर सब जगह काफ़ी चलने के लिए है यहाँ पर। चलो गाइस, मिलते हैं वहीं पर डायरेक्ट। पास कुछ भी नहीं है, वो रहा सन। कैसा लग रहा है सोना देख के? दिल की तमन्ना पूरी हो गई। मैं बोला ना भाई, तो
सोना ऊपर चढ़ी हुई है। कैसा लग रहा है? सनसेट कहाँ जा रही है? Where are you going, Salam? ये इंजन रहा होगा उसका, है ना दी? ये इंजन रहा होगा उसका। तो गाइस ये रहा प्लेन ट्रैक जिसके लिए सोनम बहुत उत्सुक थी यहाँ पे आने के लिए। इतना चला है 3 किलोमीटर, अब वापस और 3 किलोमीटर चल के जाना है। मजा आ रहा है मुझे भी। तो ये रहा प्लेन ट्रैक और ये रहा पीछे सनसेट, ऑलमोस्ट हो ही गया है। और प्लेन ट्रैक के आगे है ग्लेशियर, आई थिंक दिख नहीं रहा, बहुत दूर है। ये क्रैश हुआ था राइट? ये यूएस आर्मी का प्लेन है जो यहाँ पे क्रैश हो गया था क्योंकि फ्यूल खत्म हो गया था, ऐसा कुछ था। तो इन लोगों ने यहीं पे रहने दिया और इसको अब टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया। बट ये टूरिस्ट अट्रैक्शन में आने के लिए बैक एंड फोर्थ तुम समझ लो 6 किलोमीटर की वॉक है। तो अभी हम वापस जा रहे हैं हमारी गाड़ी की तरफ। और यहाँ पे पार्किंग भी है एंट्री के टाइम पे, और पार्किंग फी है $10, इंडियन करेंसी में 600 रुपीज़, और यहाँ के हिसाब से 1000 करोना। और हम बहुत थक भी गए चलते चलते। अभी पहले वो एरोप्लेन नहीं आ रहा था, अब हमारी पार्किंग नहीं आ रही है। फाइनली हम गाड़ी में आ गए तो बहुत चलना पड़ा। अब हम जा रहे हैं हमारे होटल, होटल नहीं अभी हम विक टाउन जा रहे हैं और उसके बाद होटल राइट। विक में देखेंगे कुछ खाने की, खाने की भी लेंगे, डिनर का इंतजाम करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे अपने होटल। हमारा होटल विक से 40 मिनट्स दूर है। तो मिलते हैं, देखते हैं कुछ खाने के लिए मिलता है या नहीं। यहाँ पे आए हैं हम ब्लैक क्रस्ट पिज़्ज़ेरिया। एंड गाइस मोस्टली सारे के सारे होटल्स यहाँ पे रेस्टोरेंट्स 9 बजे बंद हो जाते हैं, तो आप लोग आओ तो ट्राई करना कि जल्दी आओ। चलो तो आगे हमारा खाना, चलते हैं होटल पे। यस ये देखो ब्लैक क्रस्ट पिज्जा, मैं फर्स्ट टाइम ब्लैक पिज्जा खा। और हम पहुंच गए होटल में गाइस, थोड़ा लेट हो गए इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाए। तो हम आपको मिलेंगे अभी कल, अभी हम कर लेते हैं ये काला पिज्जा वाला डिनर। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट व्लॉग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डे 2 वाज अ सक्सेसफुल, या इट वाज रियली ब्यूटीफुल डे। बाय।